हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनेकल कोचिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है हमारी जीएस मैराथन सीरीज, जहां पर हम डिस्कस करते हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस जो आ चुके हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एंड सीपीयू एग्जामिनेशन में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिनेकल की इस बुक में, जिसका नाम है जर्नल स्टडीज 6500 टीसीएस एमसीक्यू। तो ये बुक इजीली अवेलेबल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, आप वहां ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस बुक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, हाँ जी, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? हाँ जी, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, इनमें से कौन है जो कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे? ठीक है, डी सुब्बाराव मनमोहन सिंह, एम नरसिम्हम, ठीक है, एम एस गिल। हाँ जी, बताइए क्या है इसका आंसर। राइट, एम एस गिल। एमएस गिल जो है वो कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे। ठीक है, इसके अलावा डी सुब्बाराव मनमोहन सिंह, एम नरसिम्हा राव, ये सारे जो हैं आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो मनोहर सिंह गिल जो है, एमएस गिल जो है वो इंडियन पॉलिटिशियन है। ठीक है, इंडियन कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। क्या रह चुके हैं वो, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में उन्होंने जो है अपनी सर्विस दी है। राइट, ही रिप्रेजेंट पंजाब इन द राज्यसभा। राज्यसभा में जो अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट होता है, वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पंजाब को। ही हैज़ नेवर एक्टेड एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो वो आरबीआई के गवर्नर जो है वो कभी भी नहीं रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताएं। नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या फिर यशवंत सिन्हा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 302। राइट, जो पीवी नरसिम्हा राव कह रहे हो बिल्कुल सही है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। राइट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बिकम अ पब्लिक कंपनी। इनमें से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है? कांडला, मैंगलोर, इनोर या मोरमुगांव। राइट, सी इनोर। इनोर जो है वो सबसे पहला फर्स्ट पोर्ट है, सबसे पहला बंदरगाह है इंडिया में। ठीक है, टू बिकम अ पब्लिक कंपनी, जो कि पहला बंदरगाह है, सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है इनोर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who founded the Indian Statistical Institute on 17 December 1931? ठीक है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी? पीसी महलानोबिस, आर ए फिशर, वाई येट्स या एम एच सोलन। हाँ जी, एम एच हॉनसेन, इसको ठीक कर लीजिए। राइट, हाँ जी, आपको आंसर बताना है इसका। राइट, ए पीसी महलानोबिस। ठीक है, पीसी महलानोबिस जो है ही वाज अ फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। राइट, ऑन 17 दिसंबर 1931। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। आपको बताना है खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष किस वर्ष में पारित हुआ था?
1956, 1948, 1964, 1965. राइट, 1956. तो 1956 में ये एक्ट पास हुआ था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हाउसेज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? मुंबई, लखनऊ, मंगलोर या कोलकाता? हाँ जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह अधिनियम राज्य वित्त निगमों की स्थापना की व्यवस्था करता है. हाँ जी, आपको बताना है कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1972, 1983, 1951 या 1947? राइट, 1951. तो 1951 में जो ये एक्ट था वो पास हुआ था. चले आगे. Which of the following banks was founded by Muttiah Chidambaram Chettiar in Chennai in 1937? इनमें से किस बैंक की स्थापना मुथैया चिदंबरम चेट्टियार के द्वारा चेन्नई में 1937 में की गई थी? हाँ जी, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक या धनलक्ष्मी बैंक? राइट, इंडियन ओवरसीज बैंक. ठीक है, तो मुथैया चिदंबरम चेट्टियार जो है चेन्नई में, उन्होंने ये बैंक की जो है वो स्थापना की थी. बैंक का नाम क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक. चले आगे. अ कंपनी दैट हैज बीन फाउंडेड आफ्टर 2003 and that has a current valuation of more than $1 billion is referred to as in the industry by which term? एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद की गई थी तथा जिसका वर्तमान मूल्य $1 billion से अधिक है, उस उद्योग में किस नाम से जाना जाता है? चलिए, उस उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? यूनियन स्टार्टअप कंपनी, मून, ब्लू मून स्टार्टअप कंपनी, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्टअप कंपनी, फिफ्थ गियर स्टार्टअप कंपनी? राइट, यूनियन स्टार्टअप कंपनी. यूनियन स्टार्टअप कंपनी के नाम से उसको जाना जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज को फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट? ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक इनमें से कौन है? पीयूष बंसल, विशाल सिक्का, बिनी बंसल, रोहित बंसल? राइट, बिनी बंसल इसका सही आंसर है. ये को फाउंडर है ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के. फ्लिपकार्ट के को फाउंडर जो है वो दो हैं, एक है बिनी बंसल और एक दूसरे है सचिन बंसल. सचिन बंसल एंड बिनी बंसल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक है विच हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आईरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स माइक्रो एटीएम टैबलेट्स? एक्सिस, कैनरा, बंधन या यस बैंक? राइट, एक्सिस बैंक. ठीक है, एक्सिस बैंक इसका आंसर है. चलिए, हाँ जी, बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? किस कौन से बैंक का जो है ये टैगलाइन था? सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक या इंडियन बैंक? राइट, जो एक्सिस बैंक कह रहे बिल्कुल ठीक है. एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक.
द नेम ऑफ यूटीआई बैंक वॉज चेंज टू इन 2007. 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंचुरियन बैंक या एक्सिस बैंक? बताइए. राइट, एक्सिस बैंक. ठीक है, चलिए. तो यूटीआई बैंक का नाम जो है वो चेंज होके क्या रख दिया गया? एक्सिस बैंक. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे, कोलकाता, वडोदरा, मुंबई? हाँ जी, राइट सी, वडोदरा. ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूसीओ बैंक? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? Everywhere individual is committed, faithful and friendly. Honor your trust या good people to bank with. जहां हर व्यक्ति प्रतिबंध है, वफादार और मैत्रीपूर्ण, आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है या बैंक के साथ अच्छे लोग, क्या है टैगलाइन? हाँ जी, जल्दी बताइए. राइट सी, ऑनर योर ट्रस्ट. ठीक है, आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक? राइट, वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक जो है ये पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को. चलिए, रानी की वाव मोटिफ इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट? आपको बताना है कि जो रानी की वाव है वो कौन सी करेंसी नोट के ऊपर छपा हुआ है? 50 रुपी, 200 रुपी, 10 रुपी या 100 रुपी? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्रीवियस सेशन में. राइट, 100 रुपी नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव इज प्रेजेंट इन 2000 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी? मंगलयान, सांची सूप, सन टेम्पल या हम्पी विद चैरियट? राइट, ए इसका आंसर है मंगलयान. ठीक है, तो 2000 के नोट पे जो है वो मंगलयान छपा हुआ है. ठीक है, इसके अलावा बाकी भी आप कर सकते हो, जैसे कि सांची सूप, सांची सूप है 200 के नोट पर, सन टेम्पल 10 रुपए के नोट पे है, और हम्पी जो है वो 50 रुपी के नोट पे है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अलाहाबाद बैंक सिचुएटेड? अलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता? राइट, कोलकाता. कोलकाता में है अलाहाबाद बैंक. ठीक है, कब बना था ये बैंक? 1865 में बना था. राइट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी? यानी कि हाँ जी, इनमें से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है? सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन या फिर लेबर ब्यूरो? राइट, सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है इनमें से कौन पर्सन है जिनके लिए द कोड ब्रेकर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू हैज बीन चूजन बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू फीचर इन ब्रिटेन्स न्यू E50 नोट? द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकर का नाम आपको बताना है, का चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो के नोट पर मुद्रित करने के लिए किया गया था? हाँ जी, माइकल फैराडे, सर क्रिस्टोफर रेन, सर जॉन्स हबल या फिर एलन ट्यूरिंग? राइट, डी, एलन ट्यूरिंग इसका सही आंसर है. एलन ट्यूरिंग.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मार्क्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड. देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वालिटी मार्क दिया हुआ है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं कि किस प्रोडक्ट पे कौन सा क्वालिटी मार्क होता है. ठीक है, तो आपने इनकरेक्टली मैच यानी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको बताना है. एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी के लिए तो होता है, सिल्वर के लिए आपको बताना है कि होता है या नहीं. FPO प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ISI सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, बताइए जल्दी से. हाँ जी, ISI मार्क सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है. ठीक है, ये गलत मैच है. इसके अलावा एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, हॉलमार्क की सिल्वर ज्वेलरी भी होती है, IFPO गोल्ड भी होती है, सिल्वर भी होती है. ठीक है, FPO प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, ये तीनों ही करेक्ट है, ये गलत है. ISI सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के लिए नहीं होती है, ये स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में. ठीक है, चलिए आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. चलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसका सही आंसर है. इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ठीक है, चलिए, क्या मेन एम था इस प्रोग्राम का? मेन एम था क्या डेवलप करना? डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस इन प्लान्ड, ठीक है, प्रायोरिटाइज्ड एंड सस्टेनेबल मैनर टू प्रोवाइड द कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस. ठीक है, जितने भी धार्मिक पर्यटन जो एरियाज हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनको इस तरह से जोड़ना, इस तरह से उनको मैनेज करना ताकि टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है और भी अच्छा हो, कंप्लीट हो, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले. ठीक है, चले आगे. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट. भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती हैं? 12, 17, 15 या 10? हाँ जी बताओ. राइट सी 15. ठीक है, तो 15 लैंग्वेजेस होती हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सिंडिकेट बैंक सिचुएटेड. सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, न्यू दिल्ली, मणिपाल या कोलकाता? राइट, मणिपाल. मणिपाल में है सिंडिकेट बैंक का हेड ऑफिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स द मोटिव ऑफ सांची स्तूप इज प्रेजेंट. इनमें से किस नोट पर सांची स्तूप का चित्र मौजूद है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. राइट, 200 के नोट पे जो है वो सांची स्तूपा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, 2000 के नोट पे मंगलयान है, 500 के नोट पे रेड फोर्ट है, 200 के नोट पे सांची स्तूप है और आपके 100 के नोट पे रानी की वाव. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. चलिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी. एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? फिलीपींस, गुड़गांव, शंघाई या बीजिंग? राइट, बीजिंग में है. ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, जो डी कह रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, WHO एंड यूनाइटेड नेशंस, नीति आयोग. राइट, नीति आयोग इसका सही आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग इज नोन एज. अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को क्या कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित होती है?
गैलोपिंग इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इंडिविजुअल डेट। स्टैगफ्लेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए, तो स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन है जब इकोनॉमिक रेट जो है वो कैसा है, स्लो है, इन्फ्लेशन हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हाई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम? विडोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ग्रेड डी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? राइट, पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, तो पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो प्रधानमंत्री श्रमदम योजना स्कीम है वो ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए किसको, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है। दिस स्कीम इज मेनली फॉर मिड डे मील वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लॉन्डर्स, ब्रिक किल्न वर्कर्स जो ईट बनाने की जो भट्टी होती है वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं, कॉबलर्स, रैग पिकर्स एंड सिमिलर पीपल लाइक देम। चलिए, विच इकोनॉमिक सर्वे वॉज ऑल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे? इसमें से कौन से इकोनॉमिक सर्वे को पिंक इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है? राइट, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ विजया बैंक सिचुएटेड? विजया बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई या दिल्ली? राइट, जो बी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बेंगलोर में स्थित है विजया बैंक का हेड ऑफिस। चले आगे, विच सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सरकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, FCI, RBI, SEBI या NEFED, NEFED जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में? हाँ जी, NEFED, ठीक है, NEFED, NEFED जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? NAFED है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब एस्टैब्लिश हुई? 2 अक्टूबर 1958 में एस्टैब्लिश हुई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा देना ताकि फार्मर्स को फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट दैट एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल? इसमें से कौन सरकारी के बीच, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पौधों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता पर खतरा ना बने? सिटीज, ब्रिक्स, ओपेक्स या गेट्स, बताइए। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CPO 2019 में आया है और ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट भी नहीं हुआ कहीं पर। चलिए, राइट, सिटीज, ठीक है ना, CITES, क्या है इसकी फुल फॉर्म, जल्दी बताइए। राइट, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना, फौना एंड फ्लोरा, ये इसकी फुल फॉर्म है। राइट, चलिए, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट, सरकारों के बीच में ये जो है एक तरह का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स 100% FDI in equity in India is not permitted as per India's FDI policy?
भारत की FDI नीति के अनुसार भारत के इनमें से किस क्षेत्र में 100% FDI समता हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है? होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, ई कॉमर्स एक्टिविटीज, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 335, राइट डी, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDAI सिचुएटेड? किस शहर में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या न्यू दिल्ली? राइट, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नबार्ड एस्टैब्लिश? बहुत बार क्वेश्चन आता है नबार्ड से, ठीक है, क्या इसका फंक्शन है, कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ ऑफिस है, क्या काम करती है, राइट? तो अब यहाँ पूछा है कि कब एस्टैब्लिश हुआ, ये मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन, बताइए। राइट, जो बी कह रहे बिल्कुल सही है, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था नबार्ड, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बी सावरमन कमिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये तो सभी को पता है, मिल्क, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम आएगा तो मिल्क से रिलेटेड है व्हाइट रिवॉल्यूशन। किसको इसका श्रेय जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन का? डॉक्टर वर्गिस क्यूरिन को, ठीक है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। कब लॉन्च हुआ? 1970s में आया था ये रिवॉल्यूशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स? मछली के प्रजनन के लिए विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है या कौन सा है? पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, विटिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर तो वेजिटेबल्स वगैरह के लिए जो ग्रो करते हैं वो वाला, ठीक है, पिसिकल्चर इसका राइट आंसर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो पिसिकल्चर के लिए जो है वो फिश की ब्रीडिंग के लिए यूज होता है, विटिकल्चर जो है वो हार्वेस्टिंग ऑफ कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स के लिए यूज होता है, हॉर्टिकल्चर्स के लिए जो फूड मटेरियल, कंफर्टेबल ब्यूटी प्रोडक्ट, डेकोरेशन के लिए फ्लावर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स होती है उनके लिए यूज होता है हॉर्टिकल्चर, राइट। चले आगे, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया? भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आम तौर पर पाई जाती है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ जी बताइए, राइट, डिस्गाइज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, With which of the following is Operation Flood related? Operation Flood जो है इसमें से कौन सी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है? इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री, इंडियन इंडियाज फार्मिंग इंडस्ट्री, इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री या इंडियन इंडियाज माइनिंग इंडस्ट्री? राइट, इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री के साथ ऑपरेशन फ्लड जो है वो एसोसिएटेड है। कब लॉन्च हुआ था ऑपरेशन फ्लड? ये लॉन्च हुआ था 13 जनवरी 1970 में, ठीक है। इट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। चलिए, रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? एग्स, ऑयल सीड, फ्रूट्स, फिश? राइट, फ्रूट्स, फ्रूट से रिलेटेड है गोल्डन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, ग्रीन रिवोल्यूशन वीट से रिलेटेड है, ठीक है,
ये तीनों क्वेश्चन जो है वो TCS पूछ चुकी है कभी ना कभी अपने एग्जामिनेशंस में, और इस सीरीज के दौरान भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि GLF वाज अ कैंपेन इनिशिएटेड इन, कब इनिशिएट हुआ था, कौन सी स्टेट में, इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। राइट, चाइना, चाइना इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियाज लीडिंग कैपिटलिस्ट इन 1944 वॉज पॉपुलरली नोन एज, कौन सा प्लान, ये आपको बताना है किस योजना के रूप में उसको जाना जाता है। अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया जिसे भारत के अग्रिम पूंजीवादियों द्वारा 1944 में तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से या किस योजना के रूप में जाना जाता है। मैसूर प्लान, अलाहाबाद प्लान, बॉम्बे प्लान या कैलकटा प्लान। राइट, बॉम्बे प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। राइट, बॉम्बे प्लान वॉज ऑथर्ड बाय टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन कौन से, JRD टाटा, GD बिरला, लाल श्री राम। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हु हेल्प ड्राफ्ट द प्लान, कौन कौन से थे जिन्होंने, कौन कौन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस प्लान को ड्राफ्ट किया था, वो थे जॉन मथाई, राइट, अधरशील दलाल, AD श्रॉफ एंड PS लोकनाथन। ठीक है, ये सारे थे जिन्होंने इस प्लान को ड्राफ्ट किया था। राइट, चलिए, द स्टील प्लांट एट बोकारो वॉज सेटअप इन द कोलैबोरेशन विद, बोकारो स्थित इंस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 345, राइट, डी, सोवियत यूनियन। ठीक है, जो डी कह रहे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये जो फ्रेज है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कॉइंड इन, सबसे पहले ये जो फ्रेज है, वाक्यांश सफल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहां गढ़ा गया था, न्यूजीलैंड, भूटान, स्वीडन या इंडिया। राइट, भूटान इसका सही आंसर है, जो ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, भिलाई, रौरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर। राइट, सी, जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो टिस्को जो है वो कहाँ लोकेटेड है, जमशेदपुर में इन झारखंड। इंडस्ट्री इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द सुबर्ण रेखा एंड खारकई रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी कभी। और दीज रिवर हेल्प इन इंडस्ट्रीज यूजेस एंड वाटर ट्रीटमेंट फॉर द इंडस्ट्री। जमशेदपुर इज ऑल्सो नोन एज टाटा सिटी। राइट, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछी जा सकती है। राइट, विटिकल्चर रेफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। राइट, यही इसका आंसर है। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ फिश जो है।